नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। दर्शकों, सपने हम रोज लेते हैं, कभी किसी तरह के सपने हमें आते हैं, कभी किसी तरह के सपने आते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही सपना कई दिन तक लगातार हमें आता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, ये सपने हमें संकेत देते हैं आने वाले हमारे भविष्य के बारे में कि कुछ चीजें घटने वाली हैं। अब ये अच्छी है या बुरी, इन सपनों के संकेतों से आप समझ सकते हैं। तो सपने देखने का क्या अर्थ है, आपको सपने में अगर कुछ चीजें दिख रही हैं तो वो क्या बता रही हैं आपको, क्या संकेत दे रही हैं, आज चर्चा होगी इसी बारे में। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, ये चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही आपकी समस्याओं के हल भी हम आपको बताएंगे, और उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो शो की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आपके सपने आपके बारे में क्या संकेत आपको देते हैं। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुलक टिप्स में हम बात करेंगे सपनों के बारे में। अक्सर आप और हम रात्रि के समय, नींद के समय, सोते समय रोज कुछ ना कुछ सपनों में जरूर देखते हैं। कभी कोई चूहा देखते हैं, तो कभी कोई सांप देखते हैं, तो कभी बिल्ली देखते हैं, तो कभी समुद्र देखते हैं, कभी खूबसूरत लड़की को देखते हैं, तो कभी सांप देखते हैं, कभी कुत्ता देखते हैं। आपको सपने में जरूर कुछ दिखता तो होगा, और आप उस सपने को सपने की तरह ही देखकर आगे बढ़ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सपनों का भी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बड़ा महत्व है? जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष विद्या के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सपने में देखता है उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव उसके जीवन पर जरूर पड़ता है। तो दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स की एक घंटे के महा एपिसोड में हम आपको बताएंगे सपनों के फल के बारे में, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। कई बार आपको याद रहता है कि आज आपने सपने में क्या देखा, और कई बार आप भूल जाते हैं। अगर याद रहता है तो एक बार अजमा कर जरूर देखें, देखें कि आज आपने जो सपने में देखा था उसके बाद आपके जीवन में क्या खास हुआ। निश्चित तौर पर ज्योतिष की इस विद्या पर आपको जरूर यकीन हो जाएगा। यदि आपको अपना सपना याद नहीं रहता है, मान लीजिए, और आप चाहकर भी याद नहीं रख पाते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। जैसे आपकी आंख खुले, बस मन में दो बातें सोची, जैसे ही आपकी आंख खुले मन में दो बातें सोची, मैं कहां हूं और मैं क्या कर रहा हूं। दो बातें, सिंपल सी चीज, मैं कहां हूं और मैं क्या कर रहा हूं, बस फिर आप अपना सपना कभी नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल, तो सपनों के बारे में आज पंडित जी हमें बताने वाले हैं। बड़ा ही रोचक ये किस्सा होता है, क्योंकि सपने तो हम सभी को रोज आते हैं, और पंडित जी ऐसा होता है कि सपने जब आते हैं तो कौन से ये सपने फल देते हैं और कौन से नहीं देते हैं, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कॉल ले लेते हैं ललित जी भीलवाड़ा से, और अपनी मदर के लिए जानना चाहते हैं। मन भर इनका नाम है। ललित जी, स्वागत है आपकी, माँ का डेट ऑफ बर्थ और समय है तो दीजिए। नमस्कार गुरुदेव, शुभ आशीर्वाद बेटा। गुरुदेव, ये डेट ऑफ बर्थ और समय तो नहीं है जी, नाम क्या है? मनभर देवी नाम है। प्रश्न पूछिए। बारे में प्रश्न ये है कि एक तो मकान है हमारा जो पश्चिम दिशा में है, उसके गृह प्रवेश के बारे में जानना चाहते हैं। गृह प्रवेश कब करें, मतलब देव उठने से पहले गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं। और दूसरा प्रश्न ये गृह प्रवेश के नाम। देखिए बेटा, गृह प्रवेश के मुहूर्त तो आपको आपके वहीं पर किसी पंडित से पूछना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त पंचांग देखकर आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन फिर भी देव सोने से पहले जो अबूझ मुहूर्त है,
देव शनि एकादशी है, उससे पहले भरल्या नवमी भी पड़ेगी, तो ये दो अशुभ दो शुभ जो मुहूर्त है वो भी अबूज मुहूर्त है, इनके ऊपर ही ग्रह प्रवेश अब हो सकता है। मेरे हिसाब से अब अगले 10-15 दिन तो कोई ग्रह प्रवेश का मुहूर्त नहीं है, जुलाई लास्ट में ही, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपको गृह प्रवेश के मुहूर्त मिलेंगे। बाकी दूसरा प्रश्न आपका सुन नहीं पाए, वापस अब आपकी कॉल लगे तब आप बात कर लीजिएगा जी। और पंडित जी आगे कुमुद जी का कॉल लेते हैं। कुमुद जी झुंझुनू से जुड़ गई हैं और बेटी मोनिका के लिए जानना चाहती हैं 27 नवंबर 1995 डेट ऑफ बर्थ और 7:30 बजे का शाम का समय। कुमुद जी स्वागत है आपका, सवाल क्या है सवाल करें। जय श्री कृष्ण पंडित जी। LLB कर चुकी है, RJS की तैयारी करना चाह रही है जी, क्या इसे RJS में सफलता मिलेगी? जी बिल्कुल कुमुद जी, देखिए जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, प्रश्न आपका यह है कि क्या ये सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल कर सकती है? निश्चित तौर पर आपकी बच्ची की जन्म कुंडली में दशम भाव में शनि स्वग्रही होकर बैठा है। शनि जब स्वग्रही होता है तो शुक्र शनि जो है वो न्याय के देवता है, तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि स्वग्रही होकर दशम भाव में बैठता है न्याय के क्षेत्र के अंदर, ऐसे जातक जो हैं वो काफ़ी तरक्की करते हैं, उच्च पद को प्राप्त करते हैं, तो RJS में इसका सिलेक्शन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि इस बच्ची की जन्म कुंडली में राहु की 18 साल की महादशा चल रही है और साथ में कालसर्प दोष इस बच्ची की जन्म कुंडली में और है, तो यदि आप चाहते हैं कि इस बच्ची की किसी तरह के विघ्न नहीं है, राहु और कालसर्प दोष का मतलब ये है सांप है टेढ़ा चलता है, तो राहु और कालसर्प दोष अनवांटेड हर्डल्स पैदा करते हैं, एक एक नंबर से रह जाना, बनते बनते काम को बिगाड़ देना, ये राहु और कालसर्प दोष करते हैं। योग्याचार के निर्देशन के अंदर आपको उज्जैन या नासिक में जाकर इस बच्ची की कालसर्प दोष की पूजा करवानी, विधि विधान पूर्वक एक ही बारी पूजा होती है। दूसरा, राहु की शांति के लिए भी गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 5.25 या 7.25 रत्तिका चांदी में इसको धारण करवाना है। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ जो भैरव मंदिर हो, इस बच्ची के हाथ से हर रविवार को दाल की कचौरी दही मरती चढ़ाएं, चौमुखा सरसों के तेल का दीपक वहाँ पर जलवाएं भैरव जी के नाम का। निश्चित तौर पर ये सरल से उपाय जो हैं, जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी, कुंडली बहुत अच्छी है और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी बच्ची का RJS में सिलेक्शन हो। इसको बोलिए कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा करे, निश्चित तौर पर ये आपके और आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो कुमुद जी आपको टिप्स पंडित जी ने दे दिए हैं, गुड लक टिप्स आपको पता चल गए हैं। उम्मीद है आपकी जो बेटी है वो आपके भविष्य का, आपका जो नाम है रोशन करे और अपना भविष्य जो है वो उज्ज्वल बनाए। और पंडित जी जैसा कि आज हम सपनों की बात कर रहे हैं, आप हमें सपनों के बारे में बता रहे हैं, तो कौन से सपने जो होते हैं फल देते हैं या कौन से जो सपने होते हैं वो व्यर्थ रूप से आते हैं, उनका फल नहीं मिलता है? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं कि सपनों का फल कब देखने को मिलता है, कौन से समय में सपने जो हैं वो फलित होते हैं। प्रकृति अपने ढंग से शुभाशुभ संकेत देती है, भावी शुभाशुभ संकेत देती है, स्वप्न भी उसका एक माध्यम है। सपनों के फलों की विवेचना के संदर्भ में भारतीय ग्रंथों में इनके देखे जाने के समय, तिथि, अवस्था के आधार पर इनके परिणामों का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार शुक्ल पक्ष चल रहा हो, उसकी छठ तिथि हो, शुक्ल पक्ष की छठ तिथि हो, सप्तमी तिथि हो, अष्टमी तिथि हो, या नवमी तिथि हो, या दसवीं तिथि हो, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा चतुर्दशी तिथि को देखा गया स्वप्न शीघ्र फल देने वाला होता है। पूर्णिमा को देखे गए स्वप्न का फल अवश्य प्राप्त होता है, पूर्णिमा को देखे गए स्वप्न का फल अवश्य प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, शुक्ल पक्ष की द्वितीया और तृतीया और कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी को देखा गया स्वप्न विपरीत फल प्रदान करता है, नेगेटिव रिजल्ट देता है। वहीं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि स्वप्न का देरी से फल प्राप्त करवाती है, फल तो मिलता है लेकिन देरी से मिलता है। वहीं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और पंचमी को देखे गए स्वप्न का फल
दो माह से लेकर दो वर्ष के अंदर प्राप्त होता है, दो माह से लेकर दो वर्ष के अंदर तक प्राप्त होता है। रात्रि के प्रथम द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ प्रहर के स्वप्नों का फल पहला, दूसरा, तीसरा और चार पहर रात्रि के माने गए हैं। तो क्रमशः उसी हिसाब से एक वर्ष, आठ माह, रात्रि का जो मैंने आपको बताया एक वर्ष के अंदर, द्वितीय पहर का आठ माह में, तृतीय पहर का तीन माह में और चतुर्थ पहर का छह दिन में फल मिलता है। आप समझ गए, एक वर्ष, आठ माह, तीन माह और छह दिन में फल मिलता है। उषा काल में देखे गए स्वप्न का फल दस दिन के अंदर मिल जाता है और सूर्योदय से पूर्व देखे जाने वाले स्वप्न का फल अति शीघ्र प्राप्त हो जाता है। आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल, तो कौन से आपके सपने हैं जो फलित होंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, लेकिन जो सपने हम सूर्योदय से पहले देख रहे हैं, उषा काल में देख रहे हैं, उन सपनों को कितने दिन में ये आपको फल देते हैं ये पंडित जी ने बताया। लेकिन पंडित जी, कई बार हम बहुत अजीबोगरीब सपने देखते हैं, जैसे तेज बारिश हो रही है, कोई पहाड़ से गिर रहा है, तो इस तरह के सपनों का अर्थ क्या होता है? आइए दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो में आपको सपनों की दुनिया के कुछ अजीब से सपनों के बारे में बताने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं सपनों के बारे में। सबसे पहले, अगर आपको सपनों के अंदर तेज वर्षा होती हुई देखें आप, या तेज वर्षा में अपने आप को भीगता हुआ देखें, ऐसा आपको स्वप्न आ रहा हो जिसमें बहुत तेज बारिश हो रही है, चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है और आप उसमें भीग रहे हैं, चारों तरफ जल है, तो इसका फल क्या है, इसका संकेत क्या है? इसका संकेत यह है कि आने वाले समय में आप किसी विपत्ति में फंस सकते हैं, किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सामान्यतः देखा यह गया है कि इस स्वप्न के कारण व्यक्ति अचानक अकारण किसी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाता है, या कह सकते हैं कि उसके विरोधी, उसके शत्रु वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। सड़क पर या आपके घर में आपको पानी ही पानी भरा हुआ दिखाई दे और उस भरे हुए पानी में से आप अपने आप को जाते हुए देखें, या नदी के बहाव के विपरीत चलते हुए स्वयं को देखें, भविष्य में आने वाली कठिनाई की ओर संकेत है। साथ ही यदि अन्य व्यक्ति या मित्र या संबंधी, यदि उसको भी आपने सपने में साथ देखा है, तो समझ जाइए कि विपत्ति उन लोगों से भी संबंधित हो सकती है, समस्या उन लोगों से संबंधित भी हो सकती है। मल से या कीचड़ से युक्त गड्ढे में, ऐसी गंदगी से भरा कोई गड्ढा हो जिसमें मल भरा हुआ हो, कीचड़ भरा हुआ हो, उस गड्ढे में अपने आप को गिरे हुए देखना आपकी पवित्रता का नाश करने वाला माना जाता है। साथ ही यह काम भाव को भी उत्पन्न करता है और साथ ही यह संकेत देता है कि यदि आप अपने आप को मल से भरे गड्ढे में गिरा हुआ देखते हैं सपने के अंदर, तो आपके ऊपर प्रेत बाधा का भी संकेत हो सकता है। इसको हम मृत्युकारक सपना मानते हैं, अच्छा सपना नहीं मानते हैं। विद्यालय या कॉलेज, स्कूल या कॉलेज के एग्जामिनेशन जो आपने पास कर ली है, उनकी तैयारी करते हुए स्वयं को देखना और यह भी देखना कि आपको उस विषय से संबंधित कुछ भी याद नहीं है, आप शायद पास नहीं हो पाएंगे। आप पास कर चुके हैं लेकिन सपने में आपको लग रहा है कि मैं आज एग्जाम देने जा रहा हूं या जा रही हूं और बिल्कुल भूल गई हूं या भूल गया हूं और मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। यह सपना अगर आप देख रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में किसी कठिनाई में, किसी विपत्ति में, किसी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। सपनों में खुद को भूत प्रेत आदि से पीड़ित देखना,
प्रेत बाधा का संकेत माना जाता है। अगर आपको सपनों में भूत प्रेत दिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर प्रेत बाधा है। ये प्रेत, ये जादू टोने अपने आप भी उत्पन्न हो सकते हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा आपके ऊपर कराए भी जा सकते हैं। बिल्कुल, तो सपने आपके बारे में क्या कुछ कहते हैं ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। आगे भी हम आपको बताएंगे कि सपने आपको क्या कुछ संकेत देते हैं और अगर वो अच्छे संकेत नहीं है तो आपको उनसे कैसे बचना है, इसके उपाय भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं पंचांग के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। और हम साथ ही साथ आपको आज बता रहे हैं, पंडित जी हमें बता रहे हैं कि सपनों के संकेत जो हैं आप सभी के लिए क्या कुछ कहते हैं, आपके भविष्य के बारे में क्या कुछ कहते हैं। पंडित जी आगे भी जानेंगे लेकिन उससे पहले राजेंद्र जी का कॉल ले लेते हैं। बीकानेर से ये जुड़ गए हैं। 17/9/1965 डेट ऑफ बर्थ और 3:50 सुबह का समय। राजेंद्र जी स्वागत है आपका, क्या सवाल है? जी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। अभी मैंने पिछले शुक्रवार को मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया तो यहाँ अभी शनि में बुध का अंतर चल रहा है तो ऐसे में ये स्थान कैसे रहेगा या कोई अन्य कोई चेंज का योग बन रहा है? अगर बन गया तो किस तरह के डिपार्टमेंट हो सकता है? राजेंद्र जी, पंडितों को मिठाई तो खिलाते नहीं हो आप नई ज्वाइनिंग पे? ज्वाइनिंग पे मिठाई खिलाओ पंडितों को तो निश्चित तौर पे आने वाला समय बड़ा शुभ रहे आपका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि शनि की महादशा और बुध का अंतर अब आपके जीवन का थोड़ा बेटर समय शुरू हुआ है पिछले 3 साल के मुकाबले, और ये 26 मार्च को शनि में शनि का अंतर आपका खत्म हुआ है। आप शनि की महादशा, बुध का अंतर और उसमें भी अभी बुध का प्रत्यंतर 13 अगस्त 2019 तक है, इसलिए आपका स्थान परिवर्तन हुआ, डिपार्टमेंट चेंज हुआ, तो निश्चित तौर पर ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, भविष्य में आगे अच्छा है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। 3 साल की जो परेशानी थी उस परेशानी से आप थोड़े से रिलैक्स रहेंगे और साथ में घर में मांगलिक कार्य के योग भी बनेंगे, बेटे के विवाह इत्यादि के योग भी बनेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि का वास रहेगा। ओवरऑल मिला के अब 2021 दिसंबर तक का आपका समय जो है वो अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा बुध अस्त है, इसलिए नियम बांध दिए कि बुधवार को हरी सब्जी जरूर खानी है, हरे कपड़े पहनने, हरी चद्दर पे सोना है और उसके साथ साथ में गौ सेवा नियमित रूप से करनी है। अगले 3 साल का नियम बांध लीजिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बिल्कुल। और पंडित जी आगे अंबिका जी का कॉल लेते हैं, जयपुर से ये जुड़ गई हैं। बेटे अनिरुद्ध के लिए जानना चाहती हैं। 9/10/2000 डेट ऑफ बर्थ और 7:45 का सुबह का समय है। अंबिका जी स्वागत है आपका, सवाल क्या है पंडित जी से कीजिए। पंडित जी, मेरा बच्चा एनडीए में 2-3 बार इंटरव्यू के लिए चला गया, क्या वो निकल पाएगा एनडीए में? किस में? जब एनडीए एनडीए के देखिए, उसने मैथ से 12th कर लिया पास, बहुत अच्छे नंबर से, अब इंजीनियरिंग की भी दे रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो एनडीए में जाए और 2-3 बार वो इंटरव्यू के लिए चला भी गया। देखिए, ऐसा है आपकी अंबिका, आपकी जो बच्चा है आपके चाहने से सब कुछ जीवन में नहीं होता है। द बेसिक प्रॉब्लम यह है कि ये बच्चा जीवन के एक सबसे ख़राब दौर में से गुजर रहा है। राहु की 18 साल की महादशा इस बच्चे को चल रही है और उसके अंदर में भी चंद्रमा का अंतर। राहु में जब चंद्रमा का अंतर होता है तो उसको चंद्र ग्रहण योग कहा जाता है। इस ग्रहण योग के कारण भाग्य में इसके राहु बैठा है, इसके भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिलता है, लक फैक्टर का सपोर्ट इस बच्चे को नहीं मिल रहा है।
राहु जिस घर में बैठता है उस घर को सांप जैसे चलाता है, फ्लक्चुएट कराता है। ऐसे इस बच्चे का बनते बनते काम को बिगाड़ना, उसके साथ में एक एक दो दो नंबर से रह जाना, ये राहु का काम है। अब ये राहु की नेगेटिविटी खत्म होती मार्च 2020 में। प्रश्न आपका ये है कि क्या एनडीए में सिलेक्शन हो सकता है? निश्चित तौर पर हो सकता है, लेकिन इस वर्ष नहीं, अगले वर्ष। इस वर्ष अभी भी राहु में चंद्रमा का ग्रहण योग इसके हर काम में अड़चन रुकावट डालेगा, इसलिए ये शुभ समय नहीं है। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय वैसे तो 2021 से शुरू होगा, लेकिन मार्च 2020 के पश्चात में चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। राहु की शांति करवाइए विधिवत योग्य आचार्य के निर्देशन के अंदर। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, इस बच्चे को बोलिएगा दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाए, भैरव चालीसा का वह नियमित रूप से पाठ करें हर संडे को। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए, 5.25 रत्ती का चांदी में या लैपिस लेजुली एक स्टोन आता है वो 7.25 रत्ती का मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए। निश्चित तौर पर बच्चा आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, लेकिन एक साल के पश्चात। बिल्कुल अम्बिका जी, आपके सवाल का जो है जवाब मिल गया होगा और हम उम्मीद यही करते हैं कि आपका बेटा जो है उसका भविष्य बहुत उज्जवल हो, वो बहुत आगे जाए। और पंडित जी, आज हम सपनों की बात कर रहे हैं कि सपने क्या कुछ कहते हैं, तो आगे भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सपने में बंदर दिखता है, मगरमच्छ दिखता है या सूरज ढलता हुआ दिखता है, इन सब चीजों का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं अक्सर आपके देखे जाने वाले सपनों के फलों के बारे में बता रहा हूं। सपनों में अपने आप को बंदरों से युद्ध करते हुए दिखाई देना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप खड़े हैं और आपके चारों तरफ बंदर हैं और बंदर जो है वो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं और आप बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपके घर के अंदर पारिवारिक क्लेश हो सकता है, द्वेष बढ़ सकता है, भाई बंधों के अंदर जो है वो नेगेटिव इंटेंशंस बढ़ सकते हैं। सामान्यतः जो हिंसक जंतु होते हैं, जैसे शेर हुआ, सांप हुआ, बंदर हुआ, बिल्ली हुआ, यदि सपनों में लड़ता हुआ इनको देखते हैं, इन जंतुओं को लड़ता हुआ अगर देखें, डर लगे उनसे, तो समझना चाहिए कि परिवार में, समाज में, अपने आप में द्वेष बढ़ने लगता है। परंतु यदि सपने में आप उनसे लड़कर जीत जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि द्वेष तो बढ़ेगा, लेकिन आपके अथक प्रयास से वो शांत हो जाएगा। सपनों में प्रियजनों से अपने आप को बिछड़ता हुआ देखे, तो उन देखे गए प्रियजनों से आप बिछड़ जाते हैं, इससे आपका हृदय जो है उसमें अनाहत जो चक्र होता है वो प्रभावित होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, जिससे आपकी साधना में भी कमी आती है। वहीं सूर्यदेव को यदि आप अंधकार से ढकते हुए देखें, ऐसा लग रहा है कि सूर्यदेव हैं और अचानक अंधेरा हुआ और सूर्यदेव ढक गए पूरे, तो फ्यूचर में, भविष्य में बहुत बड़ा विघ्न, बहुत बड़ी रुकावट, मुसीबत आने वाली है, ऐसा समझना चाहिए। इसको हम मृत्युकारक सपना भी मानते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि यदि अपने को सपने में सूरज अंधकार से ढकता हुआ दिखाई दे, तो हमारे लिए मृत्यु तुल्य कष्ट भी हमको भोगना पड़ सकता है या हो सकता है, तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। वहीं यदि आपको सपने में पानी में मगरमच्छ दिखाई दे, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई आपका गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, जिसमें आप बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, और वो शत्रु सुरक्षित रहेगा और आपको वो परेशान करके ही मानेगा। बिल्कुल, तो सपने आपके बारे में क्या कुछ कहते हैं, क्या होती है सपनों की भाषा, पंडित जी ये आज हमें बता रहे हैं, तो आगे भी ये जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे संकेत होते हैं, बहुत सारे सपने हमें आते हैं, तो कौन सा सपना जो है वो आपको आता है और वो आपको भविष्य के लिए क्या कुछ संकेत दे रहा है, ये पंडित जी हमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, आज हम सपनों की बात कर रहे हैं कि सपने आपके बारे में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि हमें हर रोज सपने आते हैं। सपने अगर किसी एक खास समय में आए, जैसे उषा काल में आए या सूर्योदय से पहले आए, तो कौन से सपने जो है फलित होते हैं, ये पंडित जी ने बता दिया। लेकिन ये संकेत क्या दे रहे हैं, ये भी लगातार बता रहे हैं पंडित जी। आगे भी जानना चाहेंगे कि सपने क्या कुछ कहते हैं जी। जैसा आज हम बात कर रहे हैं सपनों के बारे में, एक ऐसा विषय है, सब्जेक्ट ऐसा है कि हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि हर किसी इंसान को रोज़ाना किसी न किसी स्वप्न का तो उसको दशाव होता ही है, कुछ ना कुछ वो देखता ही। और ये वास्तव में सच है कि आपके सपने जो हैं वो आपको आपके भविष्य के बारे में बता देते हैं, आने वाली घटनाओं के बारे में, होने वाली चीज़ों के बारे में संकेत दे देते हैं। फ़र्क इतना है कि उन संकेत को, उन सपनों के फल को समझना, कैसे उसको समझे, इसलिए बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है और बड़ी क्यूरियसिटी भी रहती है कि पंडित जी आज हमने ये सपना देखा है, इसका अर्थ क्या है। तो सभी सपने तो बताना संभव नहीं है, मुख्य मुख्य सपने जो हैं वो मैं बता रहा हूँ, और आगे समय मिलेगा तो एक और एपिसोड में आपके सपनों के बारे में चर्चा और करेंगे। तो अब आगे जो सपना है उसके बारे में बताता हूँ। अगर आपको सपने में तारे इधर उधर चलते हुए दिखाई दे, तारे दिखाई दे चलते हुए दिखाई दे, तो समझना चाहिए कि गुप्त शत्रु आपके सक्रिय हैं, इसलिए आपको सावधान रहना है। यदि तारे आपसे दूर जाते हुए दिखाई दें, सपनों में तारे दूर जाते हुए दिखाई दें, तो समझे कि शत्रु दूर भाग रहा है। और यदि तारे आपके पास में आते हुए दिखाई दें, तो समझना कि शत्रु निकट आ रहा है, आक्रमण की स्थिति में खड़ा है, इसलिए अभी से बचाव की मुद्रा अपना लीजिएगा। खाई में या गहरे गड्ढे में अपने आप को गिरते हुए देखना, या आप किसी खाई में उतर रहे हैं, या आप गहरे गड्ढे में उतर रहे हैं या उसको देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? सपना अगर ऐसा है तो यह विपत्ति का सूचक माना जाता है, साधना से गिरने का भी सूचक माना जाता है। और यदि आप सपने में उस खाई में गड्ढे में गिर गए हैं और गिरकर वापस निकल आए हैं, तो समझ लीजिएगा विपत्ति का अंत हो गया है। और अगर गड्ढे में फंस गए हैं, खाई में गिर के फंस गए हैं, तो समझ लिए विपत्ति, भारी विपत्ति आने वाली है। सपनों में यदि अपने बुरे के लिए किसी को जादू टोना, तंत्र मंत्र क्रिया करते देखना, उस सपने का फल वैसा ही होता है जैसा आपने देखा है। यदि वह व्यक्ति आपके विरुद्ध कोई तांत्रिक क्रिया या जादू टोना कर रहा है, यह आपको सपने में दिख सकता है, दशाव होता है। शत्रु द्वारा कला, वाद या युद्ध देखना, उनसे पराजित हो जाना, अपने वध या बंधन का भी संकेत माना जाता है। आपको अपने भगवान की, अपने इष्ट देवता की मूर्ति चलती फिरती दिखाई दे या टूटी हुई दिखाई दे, तो समझना चाहिए कि आपकी मृत्यु निकट है। कभी भी मूर्ति का चलना फिरना या टूटी हुई सपने में उस अवस्था में देखना, इसको शुभ नहीं माना जाता है। बिल्कुल पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि अगर मूर्ति अगर टूटी हुई दिखती है तो उसका क्या अर्थ है। लेकिन कई बार क्या होता है, सपनों में हम अपने घर वालों से लड़ रहे होते हैं, भाई बहनों से लड़ रहे होते हैं, तो ऐसे ही अगर कुछ सपने आते हैं तो उनका क्या अर्थ होता है? जी बिल्कुल, सपने में जिसके ऊपर माता पिता, भाई बंधु नाराज होते हुए दिखाई दे, अगर आपको ऐसा सपना दिखा है कि आपके माँ बाप आपसे नाराज हैं, आपको डांट रहे हैं, तो शीघ्र ही इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, विनाशकारी सपना मानते हैं, नाश करने वाला सपना मानते हैं। जमीन को अचानक जल से लबालब भरा देखें, तो सपना देखने वाला व्यक्ति रोग, ग्लानि और धन हानि को प्राप्त करता है। सपने में यदि दिन में चंद्रमा और रात में सूर्य दिखाई दे, तो मृत्यु निकट है, ऐसा समझना चाहिए कि दिन पूरे होने वाले हैं। सपनों में अपने पितरों को देखने वाले पर कुपित हो या शाप देते हुए दिखाई दें, आपके पितर आपको सपने में दिखा रहे हैं, आप दिख रहे हैं, आपसे गुस्सा है, आपको शाप देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका विनाश का सूचक माना जाता है। सपने में यदि देव मंदिर का टूटना देखें, कोई मंदिर है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो सपना देखने वाले के विनाश का सूचक माना जाता है।
बिल्कुल, तो क्या कुछ सपने आपके बारे में कहते हैं, सपनों की भाषा क्या कुछ होती है ये पंडित जी बता रहे हैं। आगे भी और भी सपनों के बारे में जानेंगे, क्योंकि सपने तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन कुछ सपने आपको सही संकेत भी देते हैं और कुछ देते हैं गलत संकेत कि आपके भविष्य में कुछ हानि आपको हो सकती है, तो जानेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी हरमिंदर जी का कॉल लेते हैं, अजमेर से ये जुड़ गए हैं, बेटे सुप्रीत के लिए जानना चाहते हैं। 29 सितंबर 1991 डेट ऑफ बर्थ और 8:23 सुबह का समय। हरमिंदर जी स्वागत है आपका, सवाल क्या है? जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, मैं बेटे की शादी के लिए पूछना था, आपने कहा था अगले साल होगी, पर पंडित जी कहीं भी लड़की की बात करते तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है, पहले उसकी शादी की तय हुई उसके बाद ही, तो शादी की पर कहीं बात ही नहीं तय हो पा रही है। और ये अभी फॉरेन में जॉब कर रहा है, तो फ्यूचर में ये क्या इंडिया सेटल होगा या फॉरेन में ही रहेगा, तो इसके भविष्य और फ्यूचर के बारे में बताइए पंडित जी। देखिए बेटा, हरमिंदर जी आप माँ है, मैं आपकी मन की व्यथा को समझ सकता हूँ, लेकिन समय को आप नहीं बदल सकते, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। आपके दो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न क्या विदेश में सेटल रहेगा, तो 100% विदेश में सेटल रहेगा, बाहर ही रहेगा। दूसरा प्रश्न विवाह का है, राहु की महादशा चंद्रमा का अंतर। अगर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो कई बार जब हम कहते हैं कि राहु में चंद्रमा का अंतर ग्रहण योग कहलाता है, चंद्र ग्रहण योग कहलाता है, एक जीवन का एक ऐसा समय जो सबसे खराब समय होता है। आपका बच्चा सन 2003 से राहु की महादशा में से गुजर रहा है और सन 2021 में राहु की महादशा खत्म होगी। राहु की महादशा का अर्थ यही है कि हर काम में अड़चन रुकावटें लेके आना। ये इसका नेगेटिव पीरियड जून 2020 में खत्म होता है। अगले वर्ष एक साल पश्चात 23 जून 2020 को ये राहु में चंद्रमा का अंतर खत्म होगा। इस वर्ष अगर इसका विवाह हो भी जाता है या विवाह तय भी हो जाता है तो उसके टूटने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। जल्दबाजी मत कीजिए, अगले वर्ष इसका विवाह होगा। उपाय मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उपाय को कीजिए। बाकी बच्चे की जन्म कुंडली अच्छी है, लेकिन इसका समय जो है, जो सबसे बेटर पीरियड है, गोल्डन पीरियड है, डेट विल स्टार्ट फ्रॉम जून 2020 ऑनवर्ड्स। उसके बाद ये बच्चा पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। हर तरह का सुख, चाहे विवाह का सुख हो, कैरियर का सुख हो, हर तरह का सुख इस बच्चे को प्राप्त होगा। बिल्कुल, और हरमिंदर जी देखिए उपाय पंडित जी ने आपको बता ही दिए थे, और उसके अलावा अगले साल आपके बेटे की शादी हो जाएगी, तो निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और बहुत अच्छे से शादी होगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हंसराज जी का कॉल लेते हैं आगे, अजमेर से जुड़ गए पंडित जी, और ये 16/10/1976 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, 4:30 का शाम का समय बताते हैं। हंसराज जी स्वागत है आपका, सवाल क्या है, सवाल कीजिए। पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी मैं बेरोजी के जाते हैं, 2 साल हो गया और कोई कहता जन्म स्थान छोड़ के बाहर जाओ, मेरे सिलाई में बढ़ोतरी नहीं हो रही, धंधे में। हाँ? और वो धंधे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। क्या धंधा करते हो आप? मैं सिलाई का करता हूँ। किसका? सिलाई का। हाँ, हाँ। और कोई कहता जन्म स्थान से दूर चले जाओ, कहाँ जाऊँ गुरुदेव, और आपने संतान का भी बताया, वो भी करा, कोई फायदा नहीं मिला। क्या किया आपने उसमें? वो गाय की के वो परिक्रमा करी वो। हाँ। और वो और बेरू जी का जाता हूँ, कोई वचन। परिक्रमा कौन देता है? दोनों जने ही दी थी हम। कितने दिन हो गए? ये कम हो गए होंगे, 6 महीने हो गए। हाँ, इसको कंटिन्यू कीजिए। और मैं ना और मेरा कुछ ना कोई कब बाजी उदय होगा जन्म से लेके अभी? देखो बेटा, आपका बहुत प्रैक्टिकल बात मैं बता देता हूँ, आपका जो भाग्योदय होगा वो दिसंबर 2022 यानी 2023 से होगा। अभी आपको कम से कम 4 साल संघर्ष करना है आपके मन की शांति के लिए। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। 7 साल की केतु की महादशा आपको चल रही है। केतु का मतलब है राहु, और केतु का मतलब है सांप का मुंह और सांप की पूंछ, दोनों टेढ़ा चलती है। तो ये जब से केतु की महादशा आई है तब से आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेके आई। अगले 4 साल ये अभी उतार चढ़ाव और चलेगा। दूसरी बात, आपके संतान घर में विष दोष है, चंद्र शनि का विष दोष होने के कारण संतान सुख में कमी है। योग्य आचार्य के निर्देशन में विष दोष की शांति करवाइए। गौ माता का जो उपाय उसको कंटिन्यूस कीजिए, क्योंकि आपको केतु की महादशा राहु का अंतर चल रहा है, सबसे खराब समय चल रहा है। दिसंबर 2019 के पश्चात संतान सुख भी मिलेगा और आपके नौकरी व्यापार में स्थिरता भी आएगी, लेकिन अगले 6-8 महीने समस्या रहेगी। भैरव आराधना करते रहें, भैरव मंदिर में जाइए, निश्चित रूप से आपके सभी काम संपूर्ण होंगे।
बिल्कुल। तो हंसराज जी देखिए, थोड़ा सा समय है जो आपका बुरा है, लेकिन वो ग्रह नक्षत्र जैसे ही सही होंगे आपका समय भी अच्छा आ जाएगा। और देखिए पंडित जी ने आपको उपाय भी बता दिए हैं, आप पूजा करते रहिए और जल्द ही आपका समय अच्छा आएगा, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। पंडित जी आगे मेघा जी उज्जैन से जुड़ गई हैं। मेघा जी स्वागत है आपका, डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए। जय श्री कृष्ण बेटा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी में और शादी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तारीख समय बोलो। जी 22 सितंबर 1992। 22 सितंबर। लेकिन गुरु जी समय एग्जैक्ट नहीं है। क्या है आपका उपलब्ध समय, क्या है? 8:14:04 सुबह शाम? शाम को। जी सरकारी नौकरी की में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, योग है या नहीं जी? देखिए बेटा, निश्चित तौर पर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग है, इसमें कोई दो राय नहीं। विवाह का भी योग है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपकी जन्म कुंडली अच्छी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि 2015 से यू आर पासिंग केतु महादशा। केतु मतलब सांप की पूछ, टेढ़ी चलती, हर काम में अड़चन, रुकावटें। तो केतु की महादशा में भी राहु का अंतर आपको चल रहा है। ये जैसे अजगर कुंडली मार लेता है, ठीक उसी तरीके से राहु केतु ने इस वक्त आपके ग्रहों को जकड़ रखा है। दिस नेगेटिव पीरियड विल बी एंड बाय 31 जुलाई 2019। एक महीने के पश्चात 31 जुलाई 2019 को केतु में राहु खत्म होगा। तत्पश्चात में थोड़ी सी आपको भाग्य के अंदर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए। आपकी नौकरी का योग अगले वर्ष 100% है। 2020 में यू विल गेट द गुड जॉब। आपका विवाह भी होगा अगले वर्ष 2020 में और उसके साथ साथ में सरकारी नौकरी भी लगेगी। उपाय के तौर पे कोशिश कीजिए अपने हाथ से रोजाना पक्षियों को दाना खिलाएं और साथ में घर से जब भी आप निकलें एक पानी की बोतल लेके निकलिए और पक्षियों के परिंदे में पीने वाला पानी का जो परिंदा है वहाँ पर पानी जरूर भरिए। 40 दिन ये उपाय कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बिल्कुल। तो पंडित जी हमें लगातार आपकी समस्याओं के समाधान तो दे ही रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि आपको जो सपने आते हैं वो क्या कुछ संकेत देते हैं। तो आगे भी जानेंगे आपके सपनों के संकेत, सपनों की भाषा। लेकिन अगर आपको बुरे सपने आते हैं और अगर आप चाहते हैं उसका उपाय किया जाए तो क्या उपाय आपको करना है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों आज हम बात कर रहे हैं सपनों के संकेत की, सपने क्या कुछ कहते हैं, अच्छे बुरे सपने कैसे आते हैं और कैसे भविष्य के बारे में आपको बताते हैं। पंडित जी सपनों के बारे में जानेंगे लेकिन उससे पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं। उमा जी अजमेर से जुड़ गई हैं, बेटे प्रकाश के लिए जानना चाहती हैं 2 मार्च 1991 डेट ऑफ बर्थ और 10:55 रात का समय। 2 मार्च 1991 और 10:55 रात का समय। उमा जी स्वागत है आपका, सवाल क्या है? शादी में विलंब हो रहा है जी। हेलो जी। देखिए उमा जी, जहाँ तक इस बच्चे का सवाल है, राहु की महादशा इस बच्चे को चल रही है, उसके अंदर भी शुक्र का अंतर है। जैसा कि हम बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से कहते हैं कि राहु का काम ही अड़चन डालना है, रुकावट डालना है, कोई भी काम सीधा नहीं होता है। और इसकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहण योग बनाते हुए सर्प दोष है। यदि आप चाहते हैं कि इसका विवाह शुभ जगह पे हो, शुभ रहे, सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त धर्मपत्नी की प्राप्ति हो, तो एक बार इसके कालसर्प दोष की विधि विधान पूर्वक पूजा करवाइएगा नासिक या उज्जैन जाकर। मांगलिक कुंडली इसकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में गया है। ये प्रिडिक्ट करता है कि इसकी कुंडली के अंदर विवाह का सुख नहीं है, इसलिए जब भी इसका विवाह करें योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके करें। लड़की कुंडली में पूर्ण विवाह का सुख होना चाहिए। इसके विवाह का योग बनता है अगले वर्ष फरवरी से लेकर अक्टूबर के मध्य में इसका विवाह हो जाएगा। राहु की विधिवत शांति कराइएगा। गोमेद रत्न 7.25 रत्ती का मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिएगा। रविवार के दिन भैरव मंदिर में दर्शन करें। निश्चित तौर पर अगले 6-8 महीने के अंदर विवाह का सुख प्राप्त होगा। बिल्कुल। और पंडित जी अब आगे बढ़ेंगे और चूंकि आप सपनों के बारे में हमें बता रहे थे तो सपनों के संकेत क्या कुछ कहते हैं? अगर घर में बारिश होती हुई दिख रही है, बाग बगीचा दिख रहा है, कोई शराब पीता हुआ दिख रहा है, इन सबका क्या अर्थ है? जी आइए, बिल्कुल सपनों के अब अलग अलग अर्थों के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। शराब पीते हुए देखना सपने में खुद को,
यानी आपकी मौत का कारण शराब बनेगा, आपकी मृत्यु का कारण शराब बनेगी। खेती करते हुए सपने में अपने आप को देखना, तो आपको जल्द ही संतान की प्राप्ति हो सकती है। आप खेत में खेती कर रहे हैं अर्थात आपको संतान की प्राप्ति होगी। सपने में भूकंप देखना यानी आपकी संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, दुखी हो सकते हैं। सपने में सीढ़ी चढ़ते हुए देखना, यदि आप अपने आप को स्वयं को सपने में खुद को सीढ़ी चढ़ते हुए देखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि के आने की प्रबल संभावना है। वहीं यदि अपने आप को सीढ़ी उतरते हुए देखते हैं, सपने में खुद को सीढ़ी से उतरते हुए देखें, तो सावधान हो जाइए, धन आने की संभावना है। लकड़ी यानी लाठी, सपने में लाठी देखने का मतलब है आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, नेम एंड फेम बनना। सपने में सुराही देखना, मिट्टी की सुराही देखना, उसका सीधा मतलब यह है कि आप बुरी संगत में पड़ सकते हैं। घर में बारिश होते हुए देखना आपके घर में रोज रोज कलह कलेश को बढ़ाता है, किसी को रोग लगने की भी आशंका रहती है। अपने पूरे शहर में नगर में बारिश होते हुए सपने में देखना, आपके घर में हो रही है तो नेगेटिव और पूरे शहर में हो रही है तो पॉजिटिव, यानी खुशी वाला माहौल बना रहेगा। हरा भरा बगीचा सपने में देखना धन का लाभ दिलाता है। कई बार हमको एक डर लगता है कि हमने किसी का शव देखा सपने के अंदर, उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ अच्छा है, धन लाभ होने की संभावना है। समुद्र यदि आप सपने में देख रहे हैं तो धन लाभ भी मिलेगा, यश की भी प्राप्ति होगी, नौकरी पेशा वालों को जल्द प्रमोशन की भी संभावना रहती है। सपने में अपने आप को पूजन करते हुए देखना भगवान का, इसका मतलब है कि आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। लाल रंग के फूलों का सपनों में दिखना पुत्र रत्न की प्राप्ति की संभावना दिखाता है, पुत्र से सुख की प्राप्ति करवाता है। झंडा देखना, सपने में झंडा देखना धार्मिक कार्यों में रुचि को बढ़ाता है। नदी में अपने आप को तैरते हुए देखना, इसका मतलब यह है कि आपके सारे कष्ट दुख दर्द जल्द ही दूर होने वाले हैं। और सपने में खुद को आईना देखते हुए देखना, इसका मतलब है आपको किसी से प्रेम होने वाला है या हो गया है। सपने में खुद को रोटी खाते हुए देखना, इसका मतलब यह है कि अगर आप नौकरी पेशा है तो आपका जल्द ही प्रमोशन होने वाला है। बिल्कुल, तो जल्द ही आपका प्रमोशन भी हो सकता है या कोई आपको हानि भी हो सकती है, कोई नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर सपने आपको बुरे प्रभाव देने वाले हैं तो उससे अगर बचना है तो आपको क्या उपाय करना है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका कॉल ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ और समय हमें दीजिए। डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 1990। जी, पूरा डेट बताइए। डेट 30 अप्रैल 1990। समय बोले 9:53 PM। 9:35 53 रात का PM। हाँ, प्रश्न पूछिए। ये बीटेक किया है बेटे ने, और उसको एक तो शादी कब होगी और करियर से संबंधित जानकारी, इसमें इसने रिजाइन कर दिया गई, उसी जगह ज्वाइन करने का सोच रहा है, तो इन दोनों के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, इस बच्चे की जन्म कुंडली वैसे अच्छी है लेकिन कालसर्प दोष बना हुआ है इसकी जन्म कुंडली में। भाग्य स्थान में केतु और चंद्रमा का ग्रहण योग है, चंद्रमा स्वग्रही है। अभी बुध की महादशा चंद्रमा का अंतर चल रहा है, फरवरी 2018 से 25 जुलाई 2019 को ये खत्म होगा। जैसे ही चंद्रमा खत्म होगा मंगल आएगा, तत्पश्चात में इसकी नई नौकरी भी लगेगी, नई जगह पे इसका स्थानांतरण भी हो सकता है। डेट विल बी मच बेटर पीरियड। विवाह के लिहाज से भी अगले वर्ष का जो समय, इसी जुलाई से समय शुरू हो रहा है, अगली जुलाई से पहले पहले इसका विवाह हो जाएगा एक साल के अंदर। विधि विधान पूर्वक उज्जैन या नासिक जाकर कालसर्प दोष की पूजा करवाइएगा। सूर्य उच्च का है, शुक्र उच्च का है, लेकिन इसकी जन्म कुंडली में बुध अस्त है। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाए, हरी चद्दर पे सोए
और साथ में एक पन्ना रत्न इसको धारण करवा दीजिए 5.25 हत्ते का सोने में, क्योंकि बुध की महादशा चल रही है और बुध जन्म कुंडली में अस्त। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य करवाइएगा और पन्ना रत्न पहना दीजिए। 1 साल के अंदर विवाह का सुख भी होगा और जुलाई के पश्चात समय अच्छा है। बिल्कुल प्रवीण जी, आपकी समस्या का हल आपको मिल गया होगा, टिप्स पंडित जी ने दे दिया। और पंडित जी अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि आपने सपने तो हमें बता दिए कि सपने अगर अच्छे आए तो क्या कुछ हो सकता है, सपने अगर बुरे आए तो वो आपके लिए विनाशकारी भी हो सकते हैं, धन हानि भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर बुरे सपने आते हैं तो उन बुरे सपनों का प्रभाव हमें किस तरह से खत्म करना है, वो आपसे उपाय जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सपने तो आते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। बुरे सपनों का प्रभाव कैसे खत्म करें, वो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछी है। उसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, उस मंत्र को समझ लीजिए। ओम रिम श्रीम क्लीम दुख हन्ते दुर्गाय ते नमः स्वाहा। ओम रिम श्रीम क्लीम दुख हन्ते दुर्गाय ते नमः स्वाहा। पुनः सुनिए, ओम रिम श्रीम क्लीम दुख हन्ते दुर्गाय ते नमः स्वाहा। इस दुर्गा मंत्र का 11, 21, 51, 108 बार जाप करें। अर्थव वेद में वर्णन है कि दुःस्वप्न दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी नैऋत्य व भगवती काली के पुत्र हैं। मंत्रों के द्वारा दुःस्वप्न से प्रार्थना की जाती है कि वो हमारे से दूर चला जाए, हमारे पास लौट के कभी नहीं आए। इसी प्रकार भगवती काली के स्मरण मात्र से दुर्गा सप्तशती में वर्णित तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम के पाठ से दुःस्वप्न का फल प्रकट नहीं होता है, उल्टे शुभ फल ही मिलते हैं, क्योंकि माँ काली दुःस्वप्न की माता कही गई है। और जब माता से प्रार्थना करते हैं तो वो दुःस्वप्न को अपने भक्त की साधना में विघ्न न उत्पन्न करने का आदेश देती है। ऐसा देखा गया है कि जिन साधकों के घर में दक्षिण पश्चिम भाग में नैऋत्य में कोई दोष हो तो वो दुःस्वप्न से ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। अतः अपने घर के नैऋत्य को ठीक कीजिए, माँ काली की आराधना कीजिए, कभी भी बुरे सपने या बुरे सपनों का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये तो उपाय बता दिए कि अगर आप सपने बुरे देखते हैं तो क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन आगे कविता जी का कॉल ले लेते हैं। कविता जी बहुत बहुत स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ और समय दीजिए अपना। जी कविता जी, आप सुन पा रही हैं? जी तो कविता जी का कॉल नहीं लगाया। उम्मीद करते हैं कविता जी आप दोबारा हमें कॉल करेंगे और आपकी समस्या का हल भी हम आपको बताएंगे। तो आशा यही है कि आपकी समस्याओं का हल हम आपको बता चुके होंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी दिया होगा, उनसे आपको फायदा भी होगा और साथ ही सपनों के बारे में भी बताया है कि अगर आपको सपने बुरे आते हैं तो आपको क्या उपाय करना है और अच्छे सपने कैसे आपके लिए अच्छा समय लेकर आ सकते हैं। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, तो आप सोमवार से शनिवार हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आगे देखिए भूले बिसरे नक पे। नमस्कार।